नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। पाक ने फिर की शहीद के शव से बर्बरता, सेना लेगी बदला। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर क्रूरता और बर्बरता को दर्शाते हुए तीन भारतीय जवानों को मौत के घाट उतारने के बाद एक के शव के टुकड़े कर दिए। पाक सेना के कमांडो टीम द्वारा की गई इस कायराना करतूत से देश में भारी गुस्सा है। सेना ने कहा कि इस कायराना हरकत का भारी बदला लिया जाएगा। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुपवाड़ा जिले में माछिल सेक्टर के वन्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर बाढ़ से पहले भारतीय सेना के एक आतंकवाद निरोधक दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने बताया कि इस हमले में तीन सैनिक शहीद हो गए जबकि एक का शव क्षत विक्षत कर दिया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने इन हत्याओं के बारे में जानकारी दी। 19 अक्टूबर के बाद से किसी भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता दिखाए जाने का ये दूसरा वाकया है। सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि मच्छेल में LOC पर तीन जवान मारे गए, एक सैनिक का शव क्षत विक्षत किया गया। सेना ने करारा पलटवार करने की बात कहते हुए लिखा है कि इस कायराना हरकत का भारी बदला लिया जाएगा। पाक सेना की इस कार्रवाई की भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने कड़ी निंदा की है। विशेषज्ञों ने इसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है। भारतीय उप उच्चायुक्त JP सिंह ने पाकिस्तान के समक्ष अपने सैनिकों की हत्या किए जाने और उनमें से एक का शव क्षत विक्षत किए जाने के खिलाफ सख्त विरोध दर्ज कराया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी बलों द्वारा बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन करने और तोपों तथा 120 मिलीमीटर के भारी मोर्टारों का इस्तेमाल करने के मुद्दे को भी उठाया। अनाधिकृत तरीके से नोटों की अदला बदली से RBI नाराज। लघु बचत खाते में जमा नहीं होंगे पुराने नोट। केजरीवाल बोले, नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सेवा कर। जाने माने वैज्ञानिक MGK मेनन का निधन।